सिरमौर के संगडाहा क्षेत्र के गांव मडोली का एक परिवार डीसी से मिलने पहुंचा। विभाग ने इस परिवार के मकान को गिराने का आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद आज पीड़ित परिवार ने डीसी सिरमौर से अपनी व्यथा सुनाते हुए मकान न गिराने की गुहार लगाई है। दूसरी तरफ किसान सभा भी पीड़ित परिवार के समर्थन में उतारते हुए विभाग के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने का निर्णय ले चुकी है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। पीड़ित परिवार के मुखिया कुंदन सिंह और उसकी पत्नी सुमित्रा ने बताया कि वो यहाँ 4 से 5 पुश्त दर पुश्त रहते आ रहे हैं। ये उनका मकान दशकों पुराना है। उन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी जोड़कर इस मकान को खड़ा किया है, जिसके बाद विभाग ने इसको अवैध करार देते हुए गिराने के निर्देश दिए हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि अब उन्हें बेघर होने और इस कड़कड़ाती ठंड में सड़क पर आने की चिंताएं सताने लगी हैं। और मेरे को जो है वहाँ पटवारी कनगो जी तंग कर रहे हैं। मैंने मकान बनाया था घर में, मेरा बिजली पानी भी कट गया साहब, और अब मुझे जो है बेघर कर रहे हैं, कहाँ रहूं। मेरी इंक्वायरी की जाए, अगर मेरे पास दूसरा भी कोई मकान है ऐसे साहब, मैंने दिहाड़ी मजदूरी करके मकान लगाया हुआ साहब, आप मेरा मकान बचा दो साहब। वो बोलते साहब कि ये जंगलायत का है, गड़ी किसी का गड़ी। अब मैं कौन सा पटवारी था साहब, है ना। जब मैं मकान लगा था उस टाइम मुझे बंद करना था। कब से रह रहे हैं वहाँ पर? मेरे को हो गया कोई जी ऐसे 4-5 पोस्टों से, काल्टू से लेकर वहाँ, काल्टू बोलर रुकिया धनिया, उसका बेटा है आगे मंगाराम, मंगाराम का पुत्र है कुंदन सिंह आगे, और मेरा लड़का है मनोज कुमार, और पत्नी है मेरी सुमित्रा। क्या चाहते हैं आप? अब साहब ऐसे चाहते कि मेरा मकान बचा दो। झाड़ी मजदूरी करके मैंने मकान लगा हुआ साहब, जो मैं उम्र भर की कमाई वो दाव पर लगाई हुई। मेरी टांग टूटी हुई है, घरवाई की पीजीआई से इलाज हो रही है सर। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, आप मेरा संविधान कीजिए साहब। वो बोलते हैं सर कि आप हमारे को लिख के दो और ये तुम्हारा मकान नहीं है। कभी सर बाप का नाम कामिया डाल रहे, कभी कुछ और डाल रहे, कभी कुछ डाल रहे। तो सर आप बताओ हम कहाँ जाए, हम वहाँ के है सर। वो जब से मेरी शादी हुई, मेरे ससुर थे, ससुर के कोई बाप थे, सब थे, तो हम उसी घर में रहते। हमारा छोटा घर मेरे ससुर ने बनाया था और पत्र का था पहले, फिर उसके ऊपर हमने लेंटर डाल दिया। हम वहाँ के रहने वाले सर। तो सर हमारे को मकान दिलाओ, जहाँ के सर हमारा नाम दो। हम क्यों जाए सर, रेणुका कम या राम कौन है हमारे को क्या पता है। हमारे से उल्टा केस लड़वाया गया वकील ने भी, तहसीलदार कानगो पटवारी जो भी है, उन्होंने हमारे को उल्टे उल्टे नोटिस दिए, हमने वो लड़े, हमारे को पता नहीं था सर, हम अनपढ़े। जिला किसान सभा के राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि पीड़ित परिवार के मकान को तोड़ने के निर्देश विभाग ने 28 दिसंबर को जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि वो पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और अगर विभाग मौके पर गरीब परिवार का बना मकान तोड़ने पहुंचता है तो वो आर पार की लड़ाई लड़ने को भी तैयार हैं, लेकिन वो गरीब परिवार का आशियाना गिराने नहीं देंगे। ये जो कुंदन सिंह है और इनके वाइफ हैं सुमित्रा जी और मनोज इनके बेटे हैं, ये हमारे से मिले थे परसों, और इन्होंने कहा कि हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मकान गिराने का हमारे को आदेश किया कि 28 तारीख को आपका मकान गिरा दिया जाएगा। और अभी पीछे मंगलवार को इनका जो ये बिजली पानी का कनेक्शन भी जो काट दिया गया। ये मंडोली गांव के हैं, जो संगड़ाहा के साथ ही है, ऊपर को लगता हुआ मंडोली गांव, तहसील संगड़ाहा इनकी। और तो हम ये कहने के लिए आए, हम डी साहब से मिलने आए हैं आज, और हम प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि ऐसी सर्दी में किसी का आशियाना उजाड़ना
ये कहाँ का न्याय है और ऐसा क्या है कि ये पुश्तों से वहां रह रहे हैं और पूरा जो मंडोली गांव है, मंडोली गांव के 30-40 लोगों के सिग्नेचर इनके पास है कि ये जो शामनाथ जमीन है उसके अंदर आप रहें, मकान बनाओ अपना उसके अंदर आप रहें, ये सारा मामला है। तो हम तो ये प्रशासन को कहने आए कि ऐसी सर्दी में एक तो इनका बिजली पानी जो है उसको दोबारा से कनेक्ट किया जाए और इनका मकान अभी नहीं गिराया जाए, और अगर आप इनका मकान गिराएंगे परसों तो हम ये कहने के लिए आए कि हम उस मकान को गिराने नहीं देंगे। हम किसान सभा की तरफ से जो है क्या कहते हैं प्रशासन के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दिलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।